गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संख्या आप लोग की बहुत कम आ रही है। क्लासेस तो समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। बस रुक जाओ थोड़ा सा। कैसा गया पेपर आप लोग का? कैसा हो रहा है स्कूल का पेपर? कुछ पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है? बेनिफिट हो रहा है कुछ पढ़ाए हुए का? चलो यस सर। बढ़िया है, बढ़िया है। थोड़ा सा वेट कर लेते बढ़िया। हैं, यस कुछ बच्चों सर। का वेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करते हैं, आज मेरा फ्लिक्स हो गया, अच्छी बात है। थोड़ा सा ठीक चलो। काफी बच्चे ज्वाइन हो गए, 2-3 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप लोग क्या बातें कर रहे हो चैट बॉक्स में? क्या बातें कर रहे हो आप लोग? क्या बातें कर रहे हो आप लोग? ये बताओ, आप लोग सभी कोई डिफरेंट स्कूल के हो ना? यस यस सर। सर। फिर कैसे इतनी बॉन्डिंग? रिया, मेरी आवाज आ रही क्या? रिया बोरा, यस लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या आप? सर, यहाँ बारिश हो गई थी तो लाइट चली गई थी और फोन में चार्ज खत्म हो गया था। अच्छा, आप लोग फोन बचा के नहीं रखते हो कि सामने क्लास है? चलो सर, सुबह से लाइट नहीं थी। उत्तराखंड अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? अल्मोड़ा सर। चलो अच्छी बात। उत्तराखंड में वगैरह मैं सुना हूँ कि शायद लैंड स्लाइडिंग वगैरह हुआ है सब यस सर। कुछ। सर चलो बच के रहे। हमारे यहाँ तूफान आया तब भी तो नहीं लाइट कटती। सर क्या क्या बोला? हमारे यहाँ तूफान आ जाए तब भी नहीं लाइट कटती। और हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा सा बारिश आ जाए, फिर थोड़ा सा तेज हवा चल जाए तो भी लाइट कट जाती है। अच्छी बात है, डिपेंड करता है कि सिटी कैसा है, आप लोग का एवरीथिंग कैसा है। ठीक है सर। हमारे यहाँ भी, कहाँ पे रहते हो कसी साहब?
कहाँ पे रहते हो, कैसी साहब बताओ? एचपी हिमाचल। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अलग अलग प्रॉब्लम है, क्या ही करेंगे। ये बताओ, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है? थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा यस सा रुक जाते हैं और। थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सबको स्क्रीन दिख रहा है तो पता है क्या? यस सर। आई टेकन रॉन्ग। देखो तो आज हमारा पता है क्या लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर टू है, लेक्चर नंबर टू है। हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लास्ट क्लास में भी हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वैसे इंट्रोडक्शन था। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन साथ साथ पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए 2 से 3 क्वेश्चन हर बारी क्या करता है, यह पूछता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। आपको ये तो पता ही होगा ना, सिलेबस तो पता ही होगा ना आप लोगों को? यस सर। सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए, सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल सी बात, देखो आओ हम प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़े थे ना, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, आप जरा बताओ कि क्या होगा। विच एमोंग द फॉलोइंग एल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बताओ जरा। सर फोर्थ। सर फोर्थ। देखो आपको पता होना चाहिए, इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा डेल्टा प्लस, सभी के केस में डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। इसका क्या सीन है? कुछ सीन यही है ना बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना अटैक करने के लिए, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा अटैक करेगा, मतलब उतना अच्छे से अटैक करेगा। आप बताओ, ऊपर से एक पॉजिटिव है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप बताओ इसके पॉजिटिव को छोड़ रहा है या फिर खत्म कर रहा है? खत्म कर रहा है, यह भी खत्म कर रहा है, यह भी खत्म कर रहा है। सबसे कम खत्म कौन कर रहा है? फोर्थ वाला। इसलिए फोर्थ वाला क्या होगा? सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो आप लोग इसका बता दो, आइडेंटिफाई एक्स इज फॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सब 2024 का है, बताओ जरा। यह कौन सा रिएक्शन है? नेम रिएक्शन भी बता देना। सर ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री परफेक्ट आंसर है, लेकिन कौन सा नेम रिएक्शन है ये बता दो आप लोग। गेटरमैन कोस्टर। गेटरमैन कोच रिएक्शन, कुछ है यही था ना, मैंने लास्ट क्लास में ये सब बताया था ना आप लोगों से, गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये। बोलो जरा एक बार आप लोग। यस सर। बताओ भाई, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो सर। चलो आप लोग इसका बता दो, सेम यह भी 2024 में भी पूछा हुआ। थर्ड ऑप्शन थ्री। वही है गटरमान कोच रिएक्शन। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। जो भी रिएक्शन है ना, मैंने आपको इटार्ड रिएक्शन भी पढ़ा दिया, गटरमान कोच रिएक्शन भी पढ़ा दिया, रोजर मुंड रिएक्शन भी पढ़ा दिया, आज स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन भी मैंने पढ़ा दिया। बताना जरा स्टीफन रिएक्शन में क्या होता था सर? SnCl2 और HCN के साथ रिएक्शन होता। C ट्रिपल बॉन्ड N को क्या कर देता था? एल्डिहाइड बना देता था क्या? यस सर। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता था जरा बताना? हमारे पास क्या हुआ, एक टॉलुइन हुआ करता था, और इसमें क्या हुआ करता था? क्रोमिल क्लोराइड और साथ साथ CH2 हुआ करता था, कुछ ऐसे ही था ना, क्या बन जाता था? एल्डिहाइड। और गटरमान कोच रिएक्शन तो यह है ही, रोजन मुंड रिएक्शन में क्या होता था जरा बताना? कोई भी एसिड हैलाइड हुआ करता था, और इसमें क्या हुआ करता था? H2PdBSO4, क्या बन जाता था बताओ जरा?
किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। नो सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट क्लास का फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप बताओ जरा, 1 डिग्री अल्कोहल पड़ेगा तो क्या होगा? पीसीसी एल्डिहाइड। 2 डिग्री वाला कीटोन। कीटोन। और 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन। ये बताओ, 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड बनाएगा तो वह रिएजेंट क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Yes, sir. अगर कॉपर और एजी पड़ जाए तो 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन और 3 डिग्री वाला बताओ? एल्कीन। एल्कीन। 3 डिग्री वाला एल्कीन। बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से भी मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था मैंने? क्या मैंने बताया था क्या कि ओजोनोलाइसिस करोगे, ओजोनोलाइसिस तो कौन कौन सा इसमें रिएजेंट होना चाहिए? पहली बात तो O3 पक्का है, और दूसरा जिंक और H2O। यही कुछ बताया था ना मैंने? यही बताया था। तो ऐसे बताया था तो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक कार्बन को एक ऑक्सीजन देगा, इस कार्बन को या ऑक्सीजन देगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये सब मैंने बता रखा है ना? यस सर। बता रखा है। ये बताया था मैंने, कुछ रिएक्शन। यस सर। आर होगा, कार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एच होगा। अब इसमें देखो, आप HgSO4 डाल दो या फिर Hg2+ डाल दो, साथ साथ H2O डाल दो और H+ डाल दो। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं मार्कोनिकोव तरीके से OH लगेगा, अल्कोहल लगेगा, तो दूसरे पोजिशन पे क्या लग जाएगा बताओ? अल्कोहल। ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और उस पे कोई क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? टॉटोमराइजेशन हो जाएगा क्या? यस सर। कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या एल्कीन बन गया? क्या यह बन गया ना? एल्कीन बन गया। रोजन मुंडर रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था, H2PDBSO4, और PDBSO4 को क्या करते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। आप बताओ लिंडलार कैटलिस्ट क्या काम करता है? एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं कर देता है? यस सर। कर देता है। बोलो क्या कर देता है एल्काइन को? सिस एल्कीन। सिस एल्कीन। ये न्यू स्टूडेंट कौन है? अवनी सिसोदिया, आप इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए हो? सर यहाँ पे बारिश हो रही थी तो नेटवर्क इशू हो रहा था। देवात्री, आप न्यू हो क्या या फिर किसी अदर आईडी से ज्वाइन किया? नो एक्चुअली सक्षम ने मुझे बोला है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। आई एम फ्रॉम द ट्रेनिंग टीम। ओके नो सर। ठीक है, तो ये बताओ, ये आप सबको क्लियर है क्या, ये बताओ जरा। ये कल मैंने बता दिया था आप लोग को, रोजन मुंडर रिएक्शन पढ़ा दिया था क्या? यस सर। रोजन मुंडर रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात देखो, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक एसिड हैलाइड होता है, क्या होता है? एसिड हैलाइड होता है। मैं एसिड हैलाइड इसको बना देता हूँ, और इसमें आप बताओ रिएजेंट क्या क्या होता है, बताओ जरा। H2PD और BSO4। और BSO4। ये बताओ कि यह तीनों मिलके क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं बताओ जरा? हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है क्या? तो अगर एल्किल हैलाइड होगा, सॉरी एल्किल क्लोराइड होगा, तो जाहिर सी बात है उसी का एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर वही बेंजील वाला होगा तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। नो सर। कोई डाउट नहीं। क्या बन जाएगा यहाँ पे? कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। क्वेश्चन दे बनाओ लोगे? चलो कुछ क्वेश्चन जरा नोट कर लो आप लोग, कॉपी पेन निकाल लो, और यह जरा बताओ आप लोग क्या होगा यहाँ पे। पीएच को मैंने कल बताया था ना, पीएच क्या बोलते हैं इसको? फिनोल। यानी कि बेंजीनिंग है। हमने कुछ ऐसे ले लिया,
और साथ में क्या मिला दिया, ध्यान से देखो, H2BaSO4, इससे जो भी बना A बन गया, ठीक है, क्या बन गया, A बन गया। अब मैंने इसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, क्लियर है क्या, क्या डाल दिया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। आप बताओ जरा A और B का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको पता है या क्या है, क्या यह रोजेन मुंड रिएक्शन है क्या, बताओ। यस सर, हाइड्रोजन। अब सिंपल सी बात बताओ कि यह रिडक्टिव एजेंट है क्या, अब यह रिडक्टिव एजेंट है तो इसका हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा एल्डिहाइड का। यस सर। अरे एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, और कीटोन होगा तो 2 डिग्री एल्कोहल होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। एक और क्वेश्चन में दूं क्या, एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लो पीएच CH2O CH3। अब सिंपल सी बात है, इसमें मैं डाल देता हूं, ध्यान से देखो, एक्सेस HI डाल देता हूं। अब जरा बताओ बॉन्ड कहां से टूटेगा, पहला नंबर या क्या, फर्स्ट वाले से, पहले वाले से। देखो सिंपल सी बात, देखो दो तरीके का आपके सामने आ सकता है, कुछ ऐसे आ सकता है, एक PHO CH3। अब बताओ इसमें पहले नंबर से टूटेगा कि दूसरे नंबर से, ए है और यह बी है, नंबर सबसे पहले ए वाले में बताओ, पहले वाले में, पहले नंबर से टूटेगा, पता है क्यों, क्योंकि पीएच और सी एच टू है ना, यहाँ पे जो सी एच टू पॉजिटिव बनेगा ना, वह रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए जो पहले वाले का प्रोडक्ट यहाँ पे प्लस बना ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, पीएच सी एच टू और क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्लियर है क्या, और दूसरे साइड क्या बन जाएगा, एच ओ और सी एच थ्री। इस वाले में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, ए वाले में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बी वाले में देखते हैं, बी वाले में आप बताओ क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्या आएगा, तो इसलिए पहला बॉन्ड ना टूट के कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दूसरा। जब दूसरा वाला टूटेगा तो इस बार क्या होगा, सी एच आई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एच हो जाएगा। किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताओ, ये वैसे मैंने ईथर वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था आपको, कोई डाउट है? नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं ना। आदित्य मेरी आवाज आ रही है, आदित्य अमर? यस सर। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ तो ठीक है, अच्छे से करना। इस बार आप लोगों को मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है ये बताओ आप लोग, मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे चल रहा, ठीक है, मेजर टेस्ट का बिना आप लोग प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? यस सर, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आप लोग को बताया था डाइबल एच के बारे में, बताया था क्या मैंने? नो सर, डाइबल एच के बारे में क्या नहीं बताया था, चलो आगे मिल जाएगा। देखो स्टीफन रिएक्शन भी मैंने आप लोग को बता रखा है, आर ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर हम इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें SnCl2 और HCl डालूं, अगर मैं केवल यही डालता हूं SnCl2 और क्या डालता हूं, HCl डालता हूं, तो आप बताओ क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा क्या? यस सर, एमीन बन जाएगा। लेकिन लेकिन मान लो, क्योंकि यह दो बार रिडक्शन होगा, पहली बार में एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरी बार में दूसरा बॉन्ड टूटेगा, लेकिन मान लो कि अगर साथ साथ में क्या डाल दूं, H2O डाल दूं, तब क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर H2O डालूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, तो एक बॉन्ड तो टूट गया। अब देखो, अब ये बताओ इसका इमाइन का रिडक्शन कैसे होता है, क्या बीच से बॉन्ड टूटता है, क्या इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O H और यह क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। बोलो किसी को कुछ भी डाउट हो तो, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ आप लोग एक बार, फिर से बताऊं सर। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन की फोटो भेजी है सर, वो भी उसमें भी ऐसी HI जोड़ने था सर, एक बता दीजिए। आप मुझे कहां भेजे हो, तो एक बार मैं देखता हूं सर, व्हाट्सएप पे।
कौन सा वाला क्वेश्चन इसमें सर? सेकंड वाला। सेकंड वाला रुको, मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ। सर इसमें आंसर शायद गलत है। एक बार फिर से जरा मुझे मैसेज कर दो। सर कर दिया। अच्छा आपने दूसरे नंबर पे किया है, इनको मैं फॉरवर्ड करके लाता हूँ। जस्ट अ मिनट, रोटेट करना पड़ेगा इसको। क्या सबको दिख रहा है क्या? रोटेट करना पड़ेगा। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको लिख के बता देता हूँ आपको। कुछ ऐसे दिया हुआ, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ सी सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच थ्री, कुछ ऐसे दिया हुआ ना? बोलो बोलो सर। उसमें एक CH2 और रह गया। कहाँ पे? कितने CH2 है? तीन है ना सर, वो लास्ट वाले C में। CH2 CH3 कुछ ऐसे दिया हुआ ना, बताओ। यस सर, ऐसे दिया हुआ। अब बोला है HI के साथ गर्म करने पे, बताना जरा आंसर क्या दिया हुआ, किसके साथ I लगा हुआ है? इसको मैं बोल दे रहा हूँ पहला नंबर, इसको मैं बोल रहा हूँ दूसरा नंबर। सर इसने पहले से काटा है बॉन्ड, तो वहीं से तो टूटेगा ना। CH3 CH2 CH2O, अब यहां से टूटेगा तो आप बताओ कि क्या इसके पे प्लस बन जाएगा क्या? यस सर। तो यही तो मैंने आपको बता रहा था, अब मानो यहां से तोड़ा तो यहां पे प्लस बन गया, यहां से तोड़ता तो यहां पे प्लस बनता। ये बताओ पहला नंबर दूसरा नंबर कहां पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा? दूसरे वाले को ना, थ्री डिग्री है ना। आप बताओ यहाँ पे प्लस आएगा तो यही पे आ जाएगा ना? यस सर। तो सही तो है ना, क्या गलत है इसमें? हमारे सर ने बोला कि आंसर ही गलत है। नहीं तो मैं आप लोग को यही बता रहा था ना शुरू से कि आप वहीं से तोड़ना जहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो, स्टेबल बने। स्टार्टिंग में यही से बोल रहा हूँ ना आप लोग को, वहीं से तोड़ना जहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो, स्टेबल हो। स्टेबल हो तो सही तो तोड़ा है, बुक वालों ने भी सही तोड़ा है। समझ गए? यस सर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। ये केमिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है ना, पता ही नहीं चलता है। मैथमेटिक्स होता है तो डायरेक्टली पता चल जाता है हाँ सही है कि गलत है। केमिस्ट्री में कहां से तोड़ना है, जहां से वीक लगे वहीं से तोड़ना, कोई इसमें कोई रूल नहीं है कि नहीं यहां से तोड़ेंगे यहां से तोड़ेंगे। आपको देखना है कि वीक कहां से पड़ रहा है, ठीक है, और जहां से तोड़ो कि उसके बाद वो स्टेबल हो जाए। समझे क्या आप लोग? अगर ऐसे कहीं गलत जगह से तोड़ दिए तो फिर गलत ही हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े हम? यस आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, अब मैं बात कर देता हूँ डाइबल एच के बारे में। किसके बारे में बात कर देता हूँ? डाइबल। इसको हम लोग बोलते हैं ना, ध्यान से देखो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है बताओ जरा? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका फोटो देख लेते हैं, फोटो क्या है ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम है और कुछ ऐसे है, यहाँ पे H है, यहाँ पे देखो
कुछ ऐसे है। ध्यान से देखो, यह भी आइसोब्यूटाइल है, यह भी आइसोब्यूटाइल है और यह भी आइसोब्यूटाइल है, और यह एल्यूमिनियम है, यह हाइड्राइड है, इसलिए इसको बोला गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यह जो हाइड्राइड है ना, यही काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, यही अटैक करता है। यह पता है क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बताओ जरा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है मेरी बात है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो यह बनता क्या है, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसमें हमने क्या डाल दिया, डाइबल एच डाल दिया। आप बताओ कि यह रिड्यूसिंग एजेंट है तो एक ही बॉन्ड तोड़ेगा, बोलो, एक ही बॉन्ड तोड़ेगा ना, एक ही बॉन्ड तोड़ेगा। अब इसमें हमने डाल दिया H2O, ये बताओ H2O हाइड्रोलाइसिस कर देगा क्या, इसको O दे देगा और इसको क्या दे देगा, H दे देगा। तो आप बताओ क्या बन जाएगा, जरा बताना। एल्डिहाइड और NH2। ऐसे बन जाएगा, बोलो बोलो, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है सर? डाइबल एच समझा दो एक बार। क्या बोल रहे हो सर? डाइबल एच समझा दो एक बार। डाइबल एच, डाइबल एच जैसे कि ना एल आई ए एल एच फोर है ना, वैसे ही एक रिएजेंट होता है डाइबल एच, डाइबल एच। इसका पूरा नाम अभी मैंने लिखना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन होगा और आइसो ब्यूटाइल होगा, वो भी कितने टाइम्स, टू टाइम्स। यह भी डाइबल एच है, यह भी डाइबल एच है, दोनों से कोई भी दे सकता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यह क्या करेगा, यह एक ही बार रिडक्शन तोड़ेगा, एक ही बॉन्ड टूटेगा, एक पे आएगा दूसरे पे आएगा, फिर वहां पे जब ऐसे इमाइन बन जाएगा ना इमाइन, उसके बाद क्या होगा बताओ जरा, यह H2O डालोगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, वहां से बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। देखो यह डाइबल एच ना एस्टर को भी तोड़ देता है, और एस्टर को तोड़ेगा तो क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया था क्या? यस सर। इसमें क्या हुआ करता था, हमारे पास एक टॉलुइन हुआ करता था, क्या हुआ करता था, टॉलुइन। और टॉलुइन में अगर हम क्रोमिन क्लोराइड डाल दें, क्रोमिन क्लोराइड किसके प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नो सर। कल मैंने यह भी बताया था साइड चैन ऑक्सीडेशन, साइड चैन ऑक्सीडेशन केस में क्या होता था हमारे पास, कुछ ऐसे हुआ करता था। यहाँ पे अगर हमारे पास टॉलुइन है और टॉलुइन में हमने क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, वो भी किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, बेंजल्डिहाइड, CHCl2 बन जाएगा क्या, CHCl2 ऐसे बन जाएगा। फिर इसमें क्या होता था, H2O होता था, H2O यानी कि KOH होता था, इस केस में क्या बन जाता था, दोनों क्लोरीन हटके दो OH लग जाता था, और मैंने आपसे बताया था एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? यस सर। यस। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? No, sir. वैसे मैंने कल बता रखा है ये पूरा, और ऑर्गेनिक बार बार क्या होता है बिना रिवीजन किए, बिना उसके, और मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग ना मुझे सेंड करना, लेकिन किसी ने सेंड नहीं किया मुझे, बस एक सुरिंदर ने सेंड किया और किसी ने भी सेंड नहीं किया मुझे। बोलो किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. हाँ तो फिर आप लोग सेंड क्यों नहीं किया, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से आप लोग मजाक मत करो, ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब देखो अब बात करते हैं गटरमान कोच रिएक्शन की, किसकी बात करते हैं हम लोग, गटरमान कोच रिएक्शन की बात कर लेते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था गटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता था, हमारे पास एक बेंजीन होता था, बेंजीन के साथ साथ क्या होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हम लोग डाल देते HCl और क्या डाल देते, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बन जाता था बताओ जरा, बेंजल्डिहाइड बन जाता था। और मैंने इसको बोला था आप लोग इसको क्या कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट इसलिए कर लो ना ताकि यह दो बार पूछा हुआ पिछले साल के, ठीक है?
पिछले साल ना दो बार पूछा हुआ है, और जितने भी नेम रिएक्शन है ना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि मैंने आप लोग को यह बताया था, आप लोग को क्या बताया था कि मान लो कि हमारे पास कोई एक अल्कोहल है, हम मान लेते हैं कि यह 1 डिग्री अल्कोहल है। आओ मैं इसको दूसरे पेज पे बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास क्या है बताओ जरा, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब 1 डिग्री अल्कोहल में चाहे आप ले लो कॉपर और चाहे क्या ले लो एजी ले लो, और साथ ही साथ क्या कर दो 300 डिग्री सेल्सियस क्या कर दो टेम्परेचर कर दो, तो बताओ जरा 1 डिग्री अल्कोहल क्या बना लेगा? एल्डिहाइड। जितना कार्बन होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अगर वही मान लो 2 डिग्री अल्कोहल होता तो, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो बताओ कीटोन, कीटोन बन जाता। क्लियर है क्या? 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन बन जाता, और वही अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता तो एल्केन। 3 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन बन जाता। ठीक है, एल्कीन बन जाता। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। और यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह चैप्टर क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? मैंने आपको यह डाइबल एच भी बता दिया था। डाइबल एच क्या बताया था? अगर मान लो कि हमारे पास साइनाइड हो, क्या हो हमारे पास साइनाइड हो, और इसमें आप डाल दो डाइबल एच, क्या डाल दो डाइबल एच डाल दो, और डाइबल एच को ही हम लोग क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसो ब्यूटाइल, वो भी कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, अभी मैंने केवल एल आई, केवल मैंने डाइबल एच डाला है, केवल डाइबल एच डाला है तो क्या बन जाएगा हमारे पास बताओ जरा, आर सी डबल बॉन्ड एन एच, क्या एक ही कार्बन रिडक्शन होगा ना सी डबल बॉन्ड एन। अगर फिर से मैं इसमें क्या डाल दू एच टू डाल दू जाएगा, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या एल्डिहाइड बन जाएगा क्या जरा बताओ आप लोग। यस सर, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। वही अगर एस्टर होता तो क्या करता है जरा बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और सी एस थ्री, इसमें मैंने डाल दिया डाइबल एच डाल दिया, डाइबल एच डाल दिया। अब बताओ डाइबल एच का जो एच होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पे आएगा अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, एक तो एल्डिहाइड बन गया, दूसरा क्या बनेगा जरा बताओ, अल्कोहल बन जाएगा क्या? बोलो बोलो आप लोग बोलो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? आपको भी यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो एक बार आप लोग बताओ, क्या किसी को ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ या फिर स्लो चल रहा हूँ या फिर कुछ भी? सही सर, सही चल रहा है। अगर किसी को फास्ट लग रहा होगा तो भी बता देना आप लोग, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब बात किसकी कर लेते हैं, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन होता है, हम लोग किससे क्या करेंगे बताओ जरा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन देखेंगे। क्लियर है मेरी बातें? हम लोग क्या करेंगे बताओ जरा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन देखेंगे। देखना बहुत ही अच्छा अच्छा रिएक्शन है इसमें, बहुत ही अच्छा अच्छा इसमें रिएक्शन मैं बताता हूँ आप लोग को। पहले एक बार नोट करो, एक बार ये नोट करो फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। एक बार पहले ये नोट करो, कर लिया नोट कर लिया आप लोगों ने, कर लिया। अब देखो मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, आर है सी है और ट्रिपल बॉन्ड क्या है एन है, मैं इसमें क्या ले रहा हूँ आर
एम जी एक्स ले ले रहा हूँ। सिंपल सी बात बताओ, आर पे माइनस होगा, एम जी एक्स पे क्या होगा, प्लस होगा। और मैं वन टू थ्री कर दे रहा हूँ, जरा बताना किसके पे माइनस आएगा किसके पे प्लस आएगा, ये बता दो किसके पे माइनस आएगा किसके पे प्लस आएगा। अरे भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एक बॉन्ड टूटेगा, किसके पे माइनस आएगा और इसके पे क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस। जो ये आर माइनस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, सी पे अटैक करेगा ना। Yes, बोलो sir. बोलो सी पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एनएच हो जाएगा या एसीडी कंडीशन में होता है। अब देखो इसके बाद हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, आप बताओ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, इसको ओ मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन एच जाएगा, तो आप बताओ क्या बना लिया, क्या कीटोन बना लिया क्या, बोलो बोलो कीटोन बना लिया क्या, किसी को कुछ भी डाउट है, और कीटोन बनाया है ना, देख नहीं रही हो, दो दो कार्बन है ना, कीटोन बनाया है ना, yes, ये कीटोन। अब देखो पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पीएच एम जी बी आर, आप बताओ इसके पे माइनस आएगा इसके पे प्लस आएगा, यह वाला जाके अटैक करेगा यहाँ पे क्या बना लेगा, पीएच कार्बन पीएच और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH। अब फिर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसको O मिल जाएगा और इसको H2 मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, PH C PH और डबल बॉन्ड O, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, जरा बताओ किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना, हाँ जी सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है कोई बात नहीं, मैं काफी स्लो कर दूंगा, ठीक है मैं बहुत ही स्लो कर दे रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नो सर। चलो मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, सी एस थ्री एम जी बी आर एड कर दिया और साथ ही साथ क्या ऐड कर दिया, H2 ऐड कर दिया, अब जरा बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, क्या जाहिर सी बात आप लोग को पता है, यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, यह वाला कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, यहीं पे अटैक करना चाहेगा ना, बोलो यस सर, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ जरा ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा, अब फिर इसमें एच टू डालूंगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन, कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ जरा क्लियर है मेरी बातें, अरे क्लियर है, यस सर यस क्लियर है, ऐसे ही बनेगा प्रोडक्ट, आई होप आप सब प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, देखो ये वही है नाइट्राइल से कैसे हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाए, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल बोलते हैं, एल्किल नाइट्राइल, आगे बढ़ते हैं, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत, एक बार आप लोग नोट करो इसको, एक बार आप लोग इसको ना नोट कर लो, थोड़ा सा नोट कर लो, ऑर्गेनिक है जब तक आप लोग हाथ पैर नहीं चलाओगे ना, हाथ सॉरी पैर तो नहीं चलाना, हाथ ही केवल चलाना, तब तक मुश्किल होगा,
कर लिए क्या नोट आप लोगों ने? यस सर। यस सर। आगे देखो ध्यान से। अब हम बात कर लेते हैं ना एल्काइलेशन एसाइलेशन की बात कर लेते हैं एसाइलेशन की। मान लो कि हमारे पास यह बेंजीन है या बेंजीन है और साथ में साथ कोई एसिल क्लोराइड है और हमने डाल दिया इसमें क्या डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया। आपको पता है कि यह इस पे आ जाएगा और क्या बना लेगा AlCl4- बना लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यह वाला जो पॉजिटिव होता है कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग से जाके क्या कर लेगा जुड़ जाएगा और जब जुड़ जाएगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या मान लो कि यहां से जुड़ा इसको वन टू बोल दो वन नंबर पे डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पे आर है क्या ऐसे बन जाएगा क्या बताओ जरा बोलो बोलो बन जाएगा ऐसे yes, आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब थोड़ा सा ना हम लोग कुछ अलग लेवल पे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को बताता हूँ जो आप लोग को करना है एक बार रुको जस्ट एक मिनट रुको आप लोग वो आप लोग चलो जरा बताओ ये क्या बनेगा मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं आप लोग बताओगे ध्यान से yes, यह हमारे पास OH है हमने इसमें डाल दिया जिंक डाल दिया बताओ क्या बनेगा जब मैं फिनॉल की रिएक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था जब भी आप लोग जिंक डालोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा बेंजीन बन जाएगा क्या फिनॉल का ऊपर गायब हो जाएगा बेंजीन बन जाएगा। अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ AlCl3 और क्या डाल दे रहा हूँ मैं कुछ ऐसे डाल दे रहा हूँ कुछ ऐसे डाल दे रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है अभी मैंने इसके पहले बताया था कुछ ऐसे बन जाएगा कुछ ऐसे बन जाएगा बताओ यस सर कुछ ऐसे बन जाएगा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कुछ ऐसे बन जाएगा ठीक है किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक कोई डाउट नहीं यही सब है। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे यहाँ पे है इसमें डाल दूं मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दूं अब बताओ अब क्या होगा NO2 जुड़ जाएगा NO2 जुड़ेगा कहाँ पे जुड़ेगा बेटा पैरा ओके सर पहली बात देखो कि कंसंट्रेटेड HNO3 है तीनों पे जुड़ेगा ना पिक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं ना यस सर भूल गए आप लोग मतलब एक मैं पढ़ा रहा हूँ तो दूसरा आप लोग भूलते जा रहे हो पिक्रिक एसिड ऐसे ही बनता है ना यस सर स्टार्ट कर दिए पिक्रिक एसिड ऐसे ही बनता है ठीक है पिक्रिक एसिड ऐसे ही बनता है मैंने आप लोग को बताया हुआ था पता नहीं कहाँ आप लोग का दिमाग है क्लियर है मेरी बातें यस सर देखो आगे आगे देखो यही कुछ है देख लेना आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो एक आता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड क्या आता है फ्रॉम एसिड क्लोराइड अब ध्यान से देखो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास क्या दिया हुआ कोई हमारे पास कोई एसिड क्लोराइड दिया होगा ऐसे ऐसे दिया होगा और इसमें आपको मिल जाए सी डी सी एल टू मिल जाए क्या मिल जाए सी डी सी एल टू मिल जाए ठीक है तो आपको करना क्या है आपको करना क्या है यह भी टू टाइम्स होगा तो आपको करना क्या है कि आप इसको क्या मान लो आप इसको आर मान लो या फिर कुछ भी मान लो तो पता है क्या यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा क्लोरीन हट जाएगा और उसकी जगह पे यह सी एस थ्री जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ जरा सी एस थ्री ट्वाइस और
सी डी कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। यस सर। ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अभी भी तो हमारे में एसिड क्लोराइड है ना, अभी भी हमारे में क्या है, एसिड क्लोराइड है ना। तो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, यहाँ पे सी एस थ्री ही कर लो, आर की जगह सी एस थ्री कर लो, कंफ्यूजन क्यों करना किसी चीज का, सी एस थ्री कर लो। अब पता है क्या, यह जो सी डी सी डी सी एस थ्री पे ट्वाइस यह बना है ना, इसमें जो सी एस थ्री है ना वह क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यह आएगा यहाँ पे अटैक करेगा क्लोरीन, क्या कर देगा बाहर निकाल देगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। यहाँ पे ग्रिगनार्ड है, सॉरी ग्रिगनार्ड है, ग्रिगनार्ड है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे पीएच एम जी बी आर, इसको ले लेता है टू टाइम्स, और यहाँ पे क्या दे देता है, सी डी सी एल टू दे देता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे दे देता है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और सी एल। अब पूछता है कि प्रोडक्ट बना रहे, आप बताओ इस केस में क्या बनेगा, इस केस में सी डी तो हमारा ऐसा ही रहेगा, जो हमारे पास पीएच है पीएच वह क्या हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे सी डी हो जाएगा क्या, बताओ। अब इसमें से एक पीएच जो होगा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यह न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा क्लोरीन को, क्या कर देगा बाहर निकाल देगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। एक बार आप लोग बना के देखो कॉपी पे, एक बार आप लोग ये कॉपी पे बना के देखो। दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं, सेम चीज का दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊं, चलो दूसरा। यस सर। मान लो कि आपने क्या ले लिया, सी एस थ्री एम जी बी आर ले लिया, अब इसमें आपने क्या डाल दिया, सी डी सी एल टू डाल दिया, यह भी टू टाइम्स होगा। तो पता है क्या होता है, जो हमारे पास सी डी होता है ना, सी डी उसके साथ सी एस थ्री जुड़ जाता है, तो सी डी के साथ टू सी एस थ्री जुड़ता है दो टाइम्स, आप बताओ दो है तो दो टाइम जुड़ गया, क्लियर है, और उसके साथ सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक एसिड क्लोराइड हुआ करता है, हमारे रिएक्शन में क्या देगा, एसिड क्लोराइड भी देगा। अब ये बताओ दो सी एस थ्री है तो इसमें से एक सी एस थ्री क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यह आएगा और इस क्लोरीन को क्या कर देगा बाहर निकाल देगा, तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बोलो। अरे यह सी एस थ्री भी तो ऐड हो रहा है, पहले से एक सी एस थ्री है ही, और यह दूसरा वाला सी एस थ्री ऐड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कर लोगे ना आप लोग? यस सर। कर लोगे ना? कर लोगे, आई होप सभी कोई कर लेगा। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही तो था, ये वाला तो मैंने बता ही दिया आप लोग को, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया। करना क्या है इसमें, ध्यान से देखो, इसमें पता क्या करना है, जो हमारे पास आर सी डी आर आर टू सी डी बनेगा ना, उसमें से एक आर निकालो और क्लोरीन से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, दूसरे वाले क्लोरीन से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है, और कुछ नहीं। आओ बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, इसकी किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेट क्या होता है, तो सिंपल सी बात, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड हो ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा, एक कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो कौन से पोजिशन में होता है, गैसियस में होता है, ठीक है, किसमें होता है बताओ जरा, गैस में होता है, क्लियर है। और हमारे पास जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, अदर कार्बोनिल अप टू 11, यानी कि दो कार्बन से 11 कार्बन तक क्या मिलेगा आपको, लिक्विड मिलेगा, और कार्बन 12 के बाद से सॉलिड मिलेगा, क्या मेरी बातें क्लियर है। एक कार्बन का होगा तो गैस, दो से 11 तक लिक्विड, और 12 के बाद से सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सॉलिबिलिटी की, कौन किसमें सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी अक्सर हम किसमें देखते हैं, पानी में देखते हैं, पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं ना, तो पहला कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तीन कार्बन तक तो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और साथ ही साथ हमारे पास एसीटोन भी क्या होता है, वो अभी पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीनों कार्बन क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और एसीटोन भी पानी में क्या होता है बताओ जरा, सॉल्युबल होता है, क्लियर है क्या मेरी बात है, क्लियर है।
क्लियर है। अब ये बताओ कि मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होता जाएगा ना। सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा, सॉरी मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी क्या होता जाएगा? कम। ठीक है, बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात हम लोग करते हैं बताओ जरा? बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिकुलर वेट के। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो मॉलिकुलर वेट क्या होगा बताओ जरा? ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो मॉलिकुलर वेट क्या होगा बताओ? ज्यादा होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है। अब मैं बात करूं ना, अगर बात बॉइलिंग पॉइंट की ना, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर उसके बाद कीटोन का, कीटोन, देन उसके बाद एल्डिहाइड का, देन उसके बाद एल्केन का। आप लोग बता सकते हो क्या अल्कोहल का ज्यादा क्यों होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? बोलो कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, जो डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, वो किससे कम होता है? पानी से भी क्या होता है? कम होता है। डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पानी से क्या होता है बताओ जरा? कम होता है। कम हो जाती है। पानी से कम, पानी पे तैरेगा या फिर पानी के अंदर डूब जाएगा? तैरेगा। जैसी बात है, पानी तैरेगा। जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर होता है। जैसी बात है, या तैरेगा ही। और भी कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखो, अब ना एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अभी तक हम लोग ना बनाने का मेथड पढ़ लेते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ जरा? प्रॉपर्टीज, कि एल्डिहाइड और कीटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एल्डिहाइड और कीटोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि हम एक एल्डिहाइड बना लेते हैं और दूसरा हम क्या बना लेते हैं, कीटोन बना लेते हैं। अब जरा बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिव कौन है ज्यादा? अगर न्यूक्लियोफाइल किसी पे ऐड होने आएगा तो किस पे पहले ऐड होगा? एल्डिहाइड पे। क्यों? क्योंकि यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है आर, लेकिन एच तो देने वाला ग्रुप नहीं है ना? यस सर। एच खींचने वाला है। यहाँ पे जितना ज्यादा आपको पॉजिटिव मिलेगा ना, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? अटैक। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो एल्डिहाइड होता है ना, वह कीटोन से क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बस यही है। आओ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे तो कोई पॉइंट्स है नहीं, मैंने ये बता रखा है आप लोगों को। अब देखो, अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका? HCN का। किसका पढ़ेंगे हम लोग? HCN का। HCN को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, कोई भी एक एल्डिहाइड ले लिया। आप बताओ, इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस है? बोलो, है। अब सिंपल सी बात, मैं इसमें अगर HCN ऐड करूंगा, HCN, तो आपको पता है CN पे नेगेटिव होता है और H पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आप बताओ कि यह CN वाला नेगेटिव यहाँ पे आएगा क्या अटैक करने के लिए? आएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज चला जाएगा? माइनस। यहाँ पे हो जाएगा CN और यहाँ पे होगा H। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये बताओ कि इसका जो H है वो इस पे आ जाएगा, तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? R C O H और यहाँ पे CN हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो कि मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें डाल दिया SnCl2 और HCl डाल दिया। अब बताओ, अब क्या होगा? ये
क्या कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो, ऐसे हो जाएगा ना? अरे भाई यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे NH2 नहीं हो जाएगा, ये स्टीफन रिएक्शन है ना? Yes, स्टीफन रिएक्शन है ना, स्टीफन रिएक्शन है। लेकिन मान लो अगर साथ साथ में वाटर डाल देता तो क्या बन जाता? एल्डिहाइड। क्या बन जाता बताओ? याद रखना एक बात मैं बताऊं, जो हमारे पास यह साइनाइड होता है ना, साइनाइड अगर साइनाइड का आप लोग हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, साइनाइड का अगर आप लोग हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बताओ जरा? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे ना? साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बताओ जरा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलो सर, यहाँ पे देखो मैं आपकी टोन ले लेता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। चाहे आप क्या ले लो, HCN ले लो, चाहे आप KCN ले लो, चाहे आप NaCN ले लो, यह सब के सब आयनिक कंपाउंड है, सब में से CN माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा बताओ जरा? CH3 CO माइनस बना लेगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। अब ये बताओ H वाला जाके इस पे जुड़ जाएगा क्या? CH3 COH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। याद रहे जब एक ही कार्बन पे आपको OH मिल जाए और CN मिल जाए, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। बताओ जरा क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसमें अब मैंने डाल दिया KCN। क्या डाल दिया मैंने? KCN। तो अब यहाँ पे यहाँ अटैक करेगा, कुछ ऐसे बना लेगा CH3 O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CN हो जाएगा। अब K+ जाके यहाँ पे चला जाएगा ना, K+। अब इसमें हम लोग H+ डाल देना या फिर HCl डाल देना तो क्या हो जाएगा? यह इसको हटा देगा, K को बाहर कर देगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे बताओ जरा एक बार आप लोग। किसी को यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप लोग बताओ। अरे कर लोगे क्या? यस सर। यस सर। कर लोगे ना? यस सर। कर लोगे। मान लो इसमें मैं अगर H2O डाल दूं तो CN का क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। डन? यस सर। कुछ भी डाउट है? डन सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आप लोग सभी कोई कर लो, कोई डाउट नहीं। देखो यही सब है, यही सब है। देखो CN का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? CN का हाइड्रोलाइसिस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जरा ये बताओ, ये बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा ये? अरे भाई यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, या आके यहाँ पे अटैक करेगा, या ओपन होगा और पॉजिटिव यहाँ पे जाके लग जाएगा। समझ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? सब वही प्रोसेस है ना भावना,
भावना मेरी आवाज आ रही है सब सर, वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही जैसे है, सब वही प्रोसेस है, ठीक है आगे बढ़े। यस सर, ये तो वही है सब मैंने बता ही रखा है। अब देखो, अब मतलब पता है क्या, हमने HCN ऐड कर लिया, अब दूसरा हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब क्या है, NaHSO3, इसको तो क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो यहाँ पे सोडियम है, हाइड्रोजन है और क्या है, सल्फाइड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सिंपल सी बात देखो, मान लो कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, Na प्लस हो जाएगा और HSO3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, वहीं से ऐड होगा ना, जरा बताओ। यस सर, यस सर, कर लोगे, कर लोगे। अब देखो yes. इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द एडिक्शन प्रोडक्ट। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है एडिक्शन प्रोडक्ट होता है। द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड, फॉर्म मस्ट एल्डिहाइड टू लेफ्ट मस्ट कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है फिर कीटोन बनता है। आओ इसका रिएक्शन देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, इसके रिएक्शन वगैरह देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। सेम जैसे HCN ऐड होता था ना, वैसे ही यह भी ऐड होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास कुछ ऐसे है और आपके पास क्या जुड़ गया इसमें, NaHSO3। आपको पता है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब यह माइनस वाला आएगा, यहाँ पे ऐड होगा, इसको ओपन करेगा और H कहाँ पे आ जाएगा, Na यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या O Na हो जाएगा और यहाँ पे SO3H, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, SO3H हो जाएगा, बताओ जरा, हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई H प्लस डाल लोगे, H प्लस तो क्या बन जाएगा, H प्लस डाल लोगे तो क्या बन जाएगा, यह सोडियम को हटा देगा। बोलो, और यहाँ पे OH, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे ही हो जाएगा। देखो इसमें जरा दूसरा रिएक्शन देखो, तीसरा रिएक्शन देखो, कॉपी पे जरा एक बार बनाओ आप लोग इसको, आप लोग जरा इसको एक बार कॉपी पे बनाओ, देखो कैसे बनता है, आप लोग इसको कॉपी पे बनाओ, देखो कैसे बनता है। एक बार आप लोग ना विद मैकेनिज्म बताओ, बनाओ देखो, कहीं कुछ फंस रहा हो तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं समझ आ रहा तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। बना लिया आप लोगों ने, बना रहे हैं, बनाओ बनाओ जरा एक बार बनाओ। डन सर, हो गया। यस सर, हो गया सबका। ये बताओ किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम आया है क्या कोई, सर ये नो रिएक्शन क्यों हुआ फोर्थ में, कहां पे किसमें नो रिएक्शन सर, फोर्थ में
या केवल और केवल एल्डिहाइड देते हैं? कौन देता है? एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता, ठीक है? कीटोन के लिए आप लोग मना कर, कौन देता है बताओ जरा? एल्डिहाइड। अब देखो कीटोन क्यों नहीं रिएक्शन देता जरा बताओ, इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ, बताओ जरा कीटोन क्यों नहीं रिएक्शन देता है? क्योंकि कीटोन के पास ना स्टेरिक रीजन है। स्टेरिक रीजन का क्या मतलब है? कीटोन के पास जो हमारे पास दो आर ग्रुप होते हैं ना, या बड़े बड़े होते हैं और हाइड्रोजन छोटा होता है, इसलिए एल्डिहाइड पे अटैक कर लेता है, कीटोन पे अटैक नहीं कर पाता है। एल्डिहाइड पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि एल्डिहाइड में जो एच है ना वो साइज में छोटा है, और कीटोन में जो आर है ना वो साइज में क्या है, बड़ा है, इसीलिए कीटोन पे अटैक नहीं करता और एल्डिहाइड पे अटैक कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक रीजन। क्लियर है क्या मेरी बातें बताओ? यस सर। यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। देखो अब एल्डिहाइड में ऑल एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड किसी भी टाइप का हो, और कीटोन में केवल और केवल मेथिल कीटोन, केवल और केवल मेथिल कीटोन, यह वाला रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड में तो कोई भी एल्डिहाइड चल जाएगा, लेकिन कीटोन में केवल और केवल कौन सा कीटोन चलेगा? मिथाइल कीटोन, मेथिल कीटोन। कौन सा कीटोन चलेगा बताओ? मिथाइल कीटोन। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। एक बार बताओ जरा, इसको भी लिख लो आप लोग, इसको भी आप लोग लिख लो। भावना एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब हो जाएंगे ना आप लोगों से? यस सर। एनसीईआरटी में ना आप डाउट में मत रहना, जो भी डाउट आएगा आप लोग पूछ लेना। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा। आगे बढ़ू मैं? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? यस सर। देखो अब देखो आपको पढ़ना कहाँ से है, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी नोट्स वगैरह देख लेना है। क्या देखना है आपको? एनसीईआरटी क्लास नोट्स तो सबसे पहली बात है, एनसीईआरटी। उसके बाद जो मैंने डीपीपी एड किया है वो कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लेना, आपको गूगल पे मिल जाएगा, और जेई का पीवाईक्यू। वैसे ना मैंने आप लोग को जेई का पीवाईक्यू कराता हूँ, और आप लोग को भी ना, जैसे कि मैं 2 से 3 साल का कराता हूँ ना, आपको कम से कम 5-6 साल का करना है, ठीक है? और इतना पता है कि आप लोग नोट सही से पढ़ोगे ना तो सबका सब चीज आपको मिल जाएगा, इसमें एवरीथिंग मिल जाएगा आपको नोट्स में। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। ये बताओ आपको मेजर टेस्ट का सिलेबस पता है क्या? मेजर टेस्ट का सिलेबस पता है? क्यों? आप लोग देखते नहीं हो? देखो जो 11th का जो चैप्टर है ना, उसमें से कितना परसेंट आएगा? 40% आएगा। आओ देखते हैं 11th का कौन कौन सा चैप्टर है। पहला जो है पी ब्लॉक है। कौन सा है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको पता है ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है? नॉमिनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमिनक्लेचर ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक। तीसरा आपका क्या है बताओ जरा, जीओसी हाइड्रोकार्बन। जीओसी पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला हाइड्रोकार्बन, क्या है हाइड्रो कार्बन। क्या मेरी बातें क्लियर है? इलेवेंथ का बस यही आपका चार चैप्टर आ रहा है, इलेवेंथ का ओनली यही फोर्थ चैप्टर क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब ट्वेल्थ की बात कर लेते हैं, यानी ट्वेल्थ का 60% आएगा। ये बताओ टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं तो चार चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग हर एक चैप्टर से लगभग तीन से चार क्वेश्चन आएंगे क्या, तीन से चार क्वेश्चन आएंगे? यस सर। 40% बेटे देना, 40% का क्या मतलब है, जैसे मानो 30 क्वेश्चन है तो लगभग 12-13 क्वेश्चन, यानी हर एक चैप्टर से दो से तीन क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, दो से तीन क्वेश्चन। अब यह 60% है ना, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना वो 60% में आएगा, जैसे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमने कौन कौन सा ग्रुप पढ़ा है बताओ जरा, 15 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 17 एंड 18, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, डी एंड एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास क्या पढ़ा था हमने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और उसके बाद क्या आएगा, हेलो एल्केन और हेलोरिन आएगा, क्या आएगा बताओ, हेलो एल्केन हेलोरिन। इस बार भी आपका ना एल्कोहल फिनॉल इथर नहीं आ रहा है, एल्कोहल फिनॉल इथर आएगा इसके बाद वाले टेस्ट में, और उसके बाद वाले टेस्ट में आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो बताओ साथ ही साथ 11th का प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोग का? यस बोलो बोलो, 11th का सही से आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करना है आप लोग को, जीओसी ज्यादा कुछ टफ नहीं है, जीओसी ना ज्यादा कुछ टफ नहीं है, आप लोग ना जीओसी वगैरह करना, आप लोग अच्छे से करना, जीओसी हो जाएगा। एक बार मैं देखता हूँ जीओसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या, जीओसी का देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के मुझे क्वेश्चंस मिल गए। अब मैं ना आप लोग को दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीओसी। एक बार जो यह हो जाता है, जीओसी में मैं बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा है, बोलो बोलो सबको दिख रहा है क्या? यस सर। एक बार जो बोला है, पूछ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। अब ये जीओसी का पार्ट है, ये बताओ कि यह क्या हो रहा है, बताओ जरा, रेजोनेंस हो रहा है क्या, बताओ रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस में जब रिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है ना तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, क्या बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। ये क्या दिया, प्लस आई दिया हुआ क्या, माइनस आई दिया हुआ, सही है कि गलत है? गलत है ना, अरे हमें मैच करना है, सॉरी, चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हमें मैच करना है। चलो ये बताओ कि प्लस आर किस में हो रहा है, प्लस आर पहले वाले में हो रहा है और माइनस आर किस में हो रहा है, यह नाइट्रो वाला इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो यह माइनस आर हो जाएगा। तो देखो पहले का फोर्थ और डी का सेकेंड, पहले का फोर्थ यानी ए का फोर्थ और डी का क्या है, डी का सेकंड, क्या फर्स्ट ऑप्शन ही है क्या, क्लियर है मेरी बातें?
अरे क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। अब ये बताओ कि अब H plus ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, और ये CN minus ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्या ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये ले साइन टेस्ट मैं प्रैक्टिकल वाला भी बताया नहीं मैं आप लोग से, अभी मैं प्रैक्टिकल वाला बताया नहीं। देखो यह पूछ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, कौन सबसे ज्यादा कार्बेनायन स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? पहली बात तो सबसे ज्यादा स्टेबल यह है, पता है क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे 4n plus 2 pi रूल एक्टिव हो रहा है और इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन है, 6 pi इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक है और यह एरोमेटिक है, और उसके बाद ए वाला ना सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यह एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। तो डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, ए वाला सबसे कम स्टेबल, ये आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा जब आप लोग एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पढ़ोगे। तो बताओ जरा कौन सा आंसर सही है सर? थर्ड ऑप्शन ए, थर्ड वाला ना? यस सर, थर्ड वाला। अब बताओ जरा कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1-2 डाइऑल, ये मैंने आप लोग को बताया कैटेकॉल, क्विनोल। बिल्कुल कैटेकॉल होता है, कैटेकॉल होता है, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये भी आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन। ये बोला 2 ऑक्सो हेक्ज 4 और क्या दिया है? ओइक एसिड। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है? आप लोग ये बताओ, फोटो बना लोगे इसका? यस सर, फोटो बना के कर लेना। ये बताओ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन इथाइलीन, इथिलीन, इथिलीन का फोटो क्या होता है? कुछ ऐसे होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट कर लोगे? यस सर, कर लोगे। ये भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ? अभी मैंने बताया आपसे अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल कौन है? सी वाला है, सी वाला। सबसे कम किसका होता है? एल्केन का होता है। बी वाला सबसे कम है। उसके बाद कौन आता है? कीटोन आएगा, कीटोन। कीटोन के पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो यही बताया था ना मैंने, कौन सा ऑप्शन है? डी वाला सही है ना? यस सर। इसका आप लोग नाम बताओगे? यह देखो, यह हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह हमारे पास एल्डिहाइड है, यह हमारे पास ऑक्सी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कार्बन है, हेप्ट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है सब यहाँ पे क्या है, पांचवें छठे नंबर पे क्या है? 6, 3 डबल बॉन्ड। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड यह हो जाएगा। और यह हमारे पास ब्रांच का काम करेगा, ब्रांच में दूसरे नंबर पे फॉर्मिल है और चौथे नंबर पे क्या हाइड्रोक्सी है। एच और एफ में सबसे पहले कौन आता है? एफ आता है। तो 2 फॉर्मिल 2 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड। देखो ऑप्शन सेकंड, यही है ना, सेकंड वाला ऑप्शन है ना? यस सर, यस सर, यस सर। मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा है। ये भी आपसे पूछ रहा है कि किसमें मेटामेरिजम होगा, किसमें चैन आइसोमेरिजम होगा, ये भी आप लोग कर ही लोगे। ये आपका क्रोमेटोग्राफ क्वेश्चन है, जब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। आई होप कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीजें कर लोगे ना आप लोग? यस सर, यस सर, कर लोगे। मैं आपके ग्रुप में ये सब शेयर करता हूँ।
हो गया ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू थैंक यू सर बाय सर गुड नाइट सर